दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनवरी 2023 में बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज रिलीज की गई थी, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सुपर हिट हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि शायद आपसे मिस्ड हो गई हो। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में जिन्हें रिलीज की गई थी जनवरी 2023 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 5, डियर इश्क। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो यह कंप्लीट सीरीज शुरू होती है एक राइटर से जो कि बहुत ज्यादा घमंडी है, क्योंकि वह ऐसा मानता है कि उसकी राइटिंग सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसी बीच वो एक लड़की से मिलता है और वो लड़की उसका गुरूर पूरी तरह से तोड़ देती है। और लास्ट तक इन दोनों की लव स्टोरी कितनी ज्यादा सक्सेस होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की फिलहाल अभी तक IMDb रेटिंग दी नहीं गई है, लेकिन इसे रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर। नंबर 4, हंट फॉर द इंडियन मुजाहिदीन। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है इंडिया में कुछ बहुत सारे खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे, लेकिन इन बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे असल में किसका हाथ था और ये सभी बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने किस तरह सक्सेस किए थे, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। इवन लास्ट तक पुलिस उन सभी टेररिस्ट को किस तरह पकड़ती है ये भी इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की जाएगी। सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि क्राइम थ्रिलर और डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज की हर एक चीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिस्कवरी प्लस पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 3, रफ्तार रफ्तार। सीरीज बेस्ड है रोमांस एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैसे कपल से जिनमें प्यार शुरू होता है और वो एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स को वो किस तरह हैंडल करते हैं, इवन उनकी रिलेशनशिप टिक पाती है या फिर नहीं टिक पाती है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि कॉमेडी ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Mini TV पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 2, ओलोक्विज इन गोवा। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है चार दोस्तों से जो कि गोवा वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही वो एक खतरनाक क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि एक ऐसा मर्डर केस जिसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं और लास्ट तक ये चारों दोस्त अपने आप को इस केस से किस तरह बाहर निकालते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज फिलहाल बंगाली में ही रिलीज की गई है, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं क्लिक ओरिजिनल पर। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे सिनेमा मरते दम तक। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 90s के दशक में बी ग्रेड मूवी बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट हुआ करती थी, लेकिन अचानक से ही ये सभी बी ग्रेड मूवी बंद हो जाती है। लेकिन इस बंद होने के पीछे असल में कारण क्या रहता है, इवन बी ग्रेड मूवी बनाने वाले की सभी बैक स्टोरी को ये कंप्लीट वेब सीरीज आपको दिखाने की कोशिश करती है कि वो किस तरह मूवीज बनाया करते थे, इवन इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट आया करता था और वो सभी मूवीज किस तरह सिनेमा में चलाया करते थे। तो दोस्तों, ये सभी चीजें इस कंप्लीट सीरीज में बखूबी आपके सामने प्रेजेंट की गई है। सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।